हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक मेकअप शेयर करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ इतना एक्स्ट्रा सामान नहीं होता है, जो हाउस वाइफ होती हैं। या दिखाने वाली हूँ मैं एकदम सिंपल मेकअप करने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए। मैं एक बीबी क्रीम है, मैं इसके साथ मेकअप करके दिखाने वाली हूँ, ना कोई फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, ना कुछ लगाने वाली हूँ, सिंपल बीबी क्रीम है। और मेरे पास ये लैक्मे का फेस पाउडर है, नॉर्मली सबके पास मिल ही जाता है। और दूसरा मुझे ये स्केच पेन है आई लाइनर के लिए, आप चाहो तो काजल यूज़ कर सकते हो। दूसरा मेरे पास है आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल। और एक ये मेरे पास है सिंपल सी छोटी सी मिस रोज की पैलेट, डेली यूज़ के लिए मैं कैसे मेकअप अपना क्रिएट करती हूँ मैं उसके लिए बताने वाली हूँ आप लोगों को। और उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ लिप शेड, कोई भी आपके पास हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हो जो आपको अच्छा लगता है यूज़ करते हो एक वो। और मेरे पास क्या है, अगर आपको मस्कारा लगाना है तो मेरे पास ब्लू हेमन का है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई भी इसमें ऐसी नहीं है कि आपके पास ना हो, अधिकतर मिल ही जाती है सबके पास। तो मैंने अच्छे से अपने फेस को एकदम वॉश कर लिया है। अब इस टाइम मेरे फेस पे कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया है, एकदम फेस वॉश करके आई हूँ। क्योंकि वैसे तो हमें मेकअप करने के लिए CTM करना जरूरी है, आपको CTM वाला मेकअप मैं फिर कभी अपनी वीडियो में पूरा अपलोड करूँगी। पर ये आप रोज़ डेली यूज़ में आप कैसे मेकअप करें, आप अपना कोई भी फेस और मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, चाहे तो निविया का हो या जो भी आपके पास है वो। मेरे पास इस टाइम ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा है, मैं वही यूज कर रही हूँ, निविया का है। क्योंकि आपको अपनी अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर कर लेना है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ना आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना। हालांकि मेकअप करने से प्राइमर भी लगाना ज़रूरी होता है, पर आप डेली बेस में प्राइमर नहीं यूज कर सकते हो, तो इसलिए एलोवेरा जेल अगर आपके पास हो तो जेल भी यूज कर सकते हो। आप उसके बाद आपको एलोवेरा जेल लगाना है, जो कि आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हो। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेना है, ज़्यादा यूज नहीं करना है आपको। इससे क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स हैं वो क्लोज बंद हो जाएंगे और आपको जो पसीना आता है ना वो भी नहीं आएगा। इसको एक एज अ प्राइमर इसको आपको यूज करना है, सो डैब डैब करके आपको इसको लगा लेना है। अब इसके बाद हमें लगानी है बीबी, थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको निकालना है और आपको डैब डैब करके आपको अपने नेक पे भी लगाना है, क्योंकि फेस और नेक अलग नहीं दिखना चाहिए, इसलिए आपको पूरे नेक पे लगा लेना है। मैं इसको क्या करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से मतलब सेट कर लेती हूँ, पर आज मैं बिल्कुल सिंपल दिखाने वाली हूँ, तो आप इसको अपने हाथ से भी डैब डैब कर सकते हो। इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ आपको डैब डैब करना है। इसको आपको इस तरह से कुछ सब डैब डैब करना है, अपनी आईज के ऊपर भी लगा लेना है, क्योंकि साफ आप इसके ऊपर अगर आई शैडो लगाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसलिए आपको अपनी आई, इसके बाद क्या करना है, मुझे अपना जो मैंने क्रीम लगाई उसको सेट करना है, क्योंकि ये अगर पसीना वसीना आपको थोड़ा भी आएगा तो सारा निकल जाएगा। इसको मेकअप कोई भी प्राइमर कोई भी फाउंडेशन हो या कुछ भी लगाने के लिए बाद में हमें उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये लैक्मे का है, तो मैं इसी फाउंडेशन से थोड़ा ऐसे हल्का लगाया और हल्के हल्के डैब डैब कर लिया। इससे कि आपका जो आपने ये क्रीम लगाई है वो एकदम सेट हो जाएगी। और तो इसीलिए मैंने अपना, अगर आपके आईब्रो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरी आईब्रो में क्या कट है जो मुझे दिखाई देता है, तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी ये मैंने ब्राउन कलर का लिया है, क्योंकि मेरी आईब्रो का जो शेड है वो ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। तो मुझे हल्का सा, कभी भी आईब्रो यहाँ से नहीं सेट करना होता, आपको बीच में से सेट करनी होती है। तो आप यहाँ से मुझे हल्का हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ ये वाला कोना मेरा थोड़ा कट लगा हुआ है, तो मुझे हल्का सा सिर्फ ये करना है। नॉर्मली हम घर में आई शैडो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो मेरे पास छोटी सी पैलेट है फिर भी मैं दिखा देती। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादातर नॉर्मल ये जो मैं इसमें से पिक कर रही हूँ, हल्का सा ये वाला शेड लेने वाली हूँ, हल्का सा ये और ये मिक्स करने वाली, क्योंकि जो इसके साथ ब्रश आया था मैं उसी से फिल करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं कोई और ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ये वाला हाईलाइट, जैसे आपको ये वाला पोर्शन हमें थोड़ा हाईलाइट करना है ये वाला, तो ये हम क्या लगाएंगे, तो ये इसमें आता है वाइट आता है, सभी आई शैडो में होता है कि आप ऊपर वाला जो हाईलाइट करना है इसमें व्हाइट कलर जैसा होता है सीमर, हल्का इसमें सीमर जैसा होता है। तो देखिए, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, तो ये हमारी आईब्रो एकदम इसमें और इसमें देखिए अंतर हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा हमें हाईलाइट अपनी ये आईब्रो को ऐसे हमें हाईलाइट करना है। अब इसके साथ क्या करना है, मुझे आईलाइनर लगाना है। आईलाइनर लगाने के लिए आपको क्या, जो बिगनर है उनके लिए स्केच पेन से अच्छा कुछ नहीं होता, क्योंकि लिक्विड वाला आईलाइनर कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि लगाने की आदत हो तो लग जाता है, पर जिन लोगों को आदत नहीं होती उन लोगों से दिक्कत आती है ना। यहाँ से थोड़ा मैं तो ऐसे करके लगा सकती हूँ, पर मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करोगे, लगाना स्टार्ट करोगे तो ये लग जाएगा। देखिए आप मोटा पतला अपने हिसाब से रख सकते हो, मुझे मैं फोन में देख के लगा रही हूँ, शीशा नहीं है इसलिए मेरे पास। यहाँ मुझे ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। उसके बाद क्या लगाना आपको, काजल आपको अगर मन करता है आपको अच्छा लगता है, मेरी आप में काजल ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए मैं हल्का सा अगर आपको लगाना तो लगा सकते हो। मैं इसी के साथ साइड से यहाँ से इसको मिला, नहीं चाहिए। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कारा, आपको नीड लगती है तो आप लगाइए, नहीं लगती तो मत लगाइए। मैं हल्का सा लगा लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको ब्लशर अच्छा लगता है, जिन लोगों को ब्लशर अच्छा लगता है वो लगा सकते हो, पर मैं हल्का सा इसी में से अपनी आई शैडो पैलेट में से भी हल्का सा आपको ब्लशर दिखाती हूँ लगा के। ये यूज करूँ, हाथ से भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको यूज कर रही हूँ हल्का सा। मैं पिंक शेड ले रही हूँ, गाइस इसी में से लेके दिखा रही हूँ आपको। तो ये इसके बाद आपको लगाना है लिप कलर। आप आउटलाइन लगा के लिप कलर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, पर मैं मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है कलर। इनफ, इतना मेकअप आप अगर करोगे तो गाइस आपको ऐसा मेकअप लगेगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।